राधे राधे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमकुम जोशी व्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और क्यू एन ए व्लॉग, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था क्यू एन ए करूँगी। मैंने इंस्टा में स्टोरी भी लगाई थी क्वेश्चन वगैरह की, लेकिन मैं आंसर नहीं दे पाई थी, शायद मैं बिजी थी। तो मैंने 2 दिन पहले स्टोरी लगाई थी और आज मैं आंसर दे रही हूँ। तो मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे कॉपी में लिख लिए, क्योंकि एक ही फ़ोन है, एक ही फ़ोन से व्लॉग बनाना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, यूर एज, और ये मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन था क्यू एन ए में भी। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ये था कि आपकी एज क्या है, आप कितने साल के हो। तो मैं बता दूँ, मैं अभी मेरा 19 कंप्लीट हो के मुझे 20 लगा है, और अगले साल 15 जुलाई को मुझे 20 कंप्लीट हो के 21 लगेगा। तो मैं 19-20 हाँ ऐसे चल रहा है मेरा। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं बॉयफ्रेंड वाली बात से एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि लोग बोलते कि चाय, जैसा आप लोग उसे चाय के नाम से जानते हो, उसका नाम दीपेश है, दीपेश दानू। तो लोग बोलते कि आप मतलब क्या लगता है वो आपका दोस्त भाई। तो मैं बोल दूँ, मेरा दोस्त भी है, वो मेरा भाई भी है, और वो मेरी बहन भी है, ठीक है। मतलब मुझे कहीं भी प्रॉब्लम होती है, वो इंसान सबसे पहले आता है। मतलब वो ना कभी मुझसे बड़ा बन जाता है, कभी मुझसे छोटा बन जाता है। पेपरों के टाइम पे सुबह उसको कॉल करके उठाना पड़ता है कि भाई उठ जा, तेरे आज पेपर हैं, ठीक है। मतलब वो इतना है कि मतलब एक होता है ना कि लगता नहीं है कि वो लड़का है, वो मेरा दोस्त है, भाई है और बहन है, वो सब है। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन ये कि आप कौन सी क्लास में हो, आप स्टडी में क्या करते हो। तो मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ, मैं बीए सेकंड ईयर है मेरा अभी, थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि सेमेस्टर वाइज चल रहा है हमारा। और मैंने एक साल गैप किया है, वरना मैं अभी होती लास्ट ईयर में शायद, हाँ। तो मैंने एक साल गैप किया है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत कुछ है यार, मतलब बहुत कुछ है, सोचा तो बहुत कुछ है, देखो। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि शादी का क्या ख्याल है, कब करोगे। शकल देख के लगती है मेरी, मैं शादी करने लायक होगी यार। मैं नहीं कर सकती यार शादी, मतलब ना क्या बताऊं, अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। मतलब शादी तो बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल। और सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि मतलब मेल बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैं पता है किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलती हूँ मैं, मतलब सबको दोस्त दोस्त तो बोलती हूँ, लेकिन जो मेरा खास होता है वो उसको पता है कि वो मेरा खास है। तो चलो इसका मैं बता देती हूँ, चाय मतलब एक ही है वो, मुझे ना उसका नाम सुन के ऐसे याद। गाइस ये क्वेश्चन ना मतलब पहले भी पूछा था मुझसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ योर लाइफ चेंज आफ्टर वायरल। मुझे नहीं लगता, पता है मतलब मैंने वो, मतलब वो चीज़ मैंने पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरी क्या लाइफ चेंज हुई, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आया। हाँ ये है कि आज के टाइम पे अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ ये वो है, तो वो अच्छा लगता है बस सुन के। ये तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा मुझे समझ नहीं आया। आपका रियल नेम, मेरा रियल नेम ही कुमकुम है। मतलब लोगों को लगता है ना कि आईडी बनाते ना फेक, तो वो लगता है, तो मैंने फेक आईडी नहीं बनाई, मेरा रियल नेम ही कुमकुम है। पहले सीरियल आता था ना वो सच है ना कुमकुम से, जो मतलब बहुत पहले आता था, मम्मी उस टाइम पे मैं हुई थी शायद, तो मेरी मम्मी ने वो सीरियल देख के मेरा नाम वो रख दिया। सो गाइज अगला क्वेश्चन ये है कि मम्मी होते हुए भी इतना काम कौन करता है। और मैं ना एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी इसी के साथ कि आप अकेले रहते हो या आपकी मम्मी आपके साथ रहती। तो मैं बता दूँ कि मम्मी रहती धारचूला, मैं रहती हूँ पिथौरागढ़, मैं और मेरी दीदी यहाँ रहते, मम्मी पापा और छोटी बहन वहाँ रहते। तो हमको काम करना पड़ता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेजिटेरियन, हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ। सो गाइस अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको सिंपल रहना पसंद है। मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, मतलब ना मैं पता है एक बार बताती हूँ, जब मैं मतलब पहले जब मेरा नाम नहीं था, मतलब कोई जानता नहीं था, मैं पता है ऐसे घूमती थी ना, कौन है, ठीक है, मतलब कुछ भी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता था कपड़ों का, चप्पल क्या पहना है, कुछ नहीं देखती थी। लेकिन जब से फिर ये वरना लोग पहचानने लगे, अब रोड में बोलते थे ये तो वही है, ठीक है। तो मैं से बन के नहीं घूम सकती थी ना, तो थोड़ा मैंने चेंज किया कि मतलब सूट पहन के जाती थी, कभी मार्केट जाना हो तो थोड़ा ढंग से बन के जाती थी, वरना मैं घर के कपड़ों में ही मार्केट चल देती थी बस, वरना मुझे सिंपल ही पसंद, मतलब मैं अभी भी सिंपल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप स्टडी कहाँ तक कंटिन्यू करोगे, रखोगे। पता नहीं यार, मतलब मुझे तो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
मतलब ना मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं है। मैं भी हूँ ऐसी कि मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बहुत पहले घर में बोला था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पढ़ाई। सो गाइस, अगला क्वेश्चन ये है कि सौरभ जोशी को जानते हो? मैं उनको एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर ऐसे जानती हूँ, क्योंकि जोशी बोलने से वो मेरे रिश्तेदार नहीं हो जाएंगे ना। और चलो मेरे उसमें कमेंट करते हो सारा जोशी, हाँ उनके उसमें कमेंट करो ना, कुमकुम जोशी को जानते हो? मैं थोड़ी जानती हूँ, मैं नहीं जानती, मैं बस यूट्यूबर है वैसे जानती हूँ, और काफी टाइम से देखा है उनको तो जानती हूँ, वैसे जानती हूँ, वैसे नहीं पर्सनली नहीं जानती हूँ। सो वैस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वृंदावन कब आना है वापस? तो वृंदावन बहुत जल्दी ही आना है मेरा, और मैं बता दूंगी आपको जब आने वाली होंगी मैं, उससे 1-2 दिन पहले मैं आप लोग को बता दूंगी, और जो मुझे मीटअप के लिए बोलते हैं तो सब बता दूंगी मैं, ठीक है? मिल लेंगे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? पता नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी एडिटिंग कौन से ऐप से करती हो? तो मैं एडिटिंग करती हूँ इनशॉट से, क्योंकि आईफोन में स्टोरेज नहीं होता है, मैं कोई भी ऐप डाउनलोड करता हूँ, मेरे इसमें बहुत कम स्टोरेज है, और इसकी बहुत बड़ा इशू है मेरा, मतलब कि मैं ब्लॉग वगैरह करती हूँ तो मुझे या तो किसी के फोन से बनाना पड़ता है, वो तो ये अच्छा है कि चाय के पास भी आईफोन है, तो कहीं जाती हूँ उसके साथ जाती हूँ तो मैं उसके फोन से ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, ठीक है? लेकिन बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो मैं इनशॉट से करती हूँ फिलहाल तो एडिटिंग। अगला क्वेश्चन ये है कि मथुरा कब आओगे, मुझे मिलना है आपसे? तो मैं मथुरा बहुत जल्दी आऊंगी, अगर वृंदावन आऊंगी तो मथुरा भी मैं ऑफकोर्स आऊंगी, क्योंकि पिछले बार मतलब जल्दबाजी में, तो एक तो दिल्ली में लॉकडाउन था, ठीक है, ऐसा हुआ ना वो, एक तो मैं मतलब रैंडम बना प्लान हमारा, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमको वृंदावन जाने करके, एकदम से प्लान बना, ठीक है, वहां गए ठीक था सब, मतलब दर्शन वगैरह भी बांके बिहारी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन और जगह नहीं जा पाए तो कोई नहीं, वो अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो कवर कर लूंगी मैं, लेकिन जब मैं आऊंगी मैं पक्का सबको बताऊंगी, दिल्ली में भी बता दूंगी मैं कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, और मथुरा भी और वृंदावन भी, मैं तीनों जगह का आपको बता दूंगी। सो गाइस, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आपने इस साल क्या सीखा और नए साल में और क्या सीखना चाहते हो? तो मैंने इस साल ये सीखा ना कि मतलब किसी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए, कि बहुत कर लिया और सामने से एकदम तुमको, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, जितना तुम करते हो ना तुमको उतना वो किया जाता है कि अरे है ही तो ये कर ही देगी, इस टाइप का हर चीज में, फ्रेंडशिप बोल लो या जान पहचान बोल लो, स्पेशली जान पहचान तो क्या होती है, जान पहचान से तो दोस्ती हो जाती है ना, तो वही है, ठीक है? और रही बात ये कि जब मैं वृंदावन गई थी पिछले बार, ठीक है, वृंदावन गई थी, मैं किस कंडीशन में गई थी, मतलब मैं कैसे गई थी, क्या था घर का सब कुछ, वो मैं जानती हूँ, ठीक है? वृंदावन गई, दिल्ली गई, गई अच्छी बात है, जब मुझे बुलावा आया था तो मैं गई, लेकिन लोगों को लगा कि अरे ये तो घूम रही है, बढ़िया है इसका, सब ठीक हो गया, लेकिन हमें पता है कि क्या नहीं हुआ है, क्या ठीक हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि जो जिस पे बीत रही है वो जानते हैं, लेकिन लोग को, लोग बस ये देखते हैं, जैसे जब मैंने फोन लिया था सबने ये देखा कि मैंने फोन लिया है, और अरे आईफोन तो महंगा होता है, तो यार ये बताओ ना कौन था साथ, कौन दे रहे थे पैसे, किसी ने दिए हमको पैसे, ठीक है? रही बात मतलब अभी मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मतलब हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं इन फ्यूचर पक्का बताऊंगी उस टाइम पे कौन था, कितना कौन साथ था, मैं ये पूछना चाहती हूँ बस, ठीक, वो हम जानते, हम मतलब हम बहने जानती हैं, हमारे मम्मी पापा जानते हैं कौन कितना साथ था, तो हाँ ये है, ये बातें हैं जो मुझे बोलनी थी, मतलब काफी टाइम से मुझे बोलना था कि जो जो मैंने बहुत कुछ सुना ना कि मेरे फोन के लिए क्या, मेरे मतलब अब तो यूट्यूब से इनकम आती होगी, अरे यार मेरी मेहनत है वो, ठीक है, मेरी मेहनत नहीं दिखती ना वो किसी को, लोगों को बस ये दिख रहा है कि फोन ले रखा है इसकी इनकम आती है, और मेरी कोई इनकम नहीं आ रही, मैं बता देना चाह रही हूँ मैं सबको, तो अब बस मैं इस टॉपिक में नहीं बोलना चाहूंगी। और रही बात मैंने इस साल क्या सीखा, तो मैंने यही सीखा, मतलब अब मैं मतलब किसी पे भरोसा करने से पहले ना बहुत बातें आएंगी कि नहीं यार इतना इजीली किसी पे नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन मतलब काफी अच्छा था जिसने भी पूछा, मतलब मैंने नाम नहीं लिखे यार किसी के भी, इस साल यही था कि बस अब मैं किसी पे इतना मतलब दोस्ती वगैरह और कुछ हो मतलब नहीं करना है कुछ ज्यादा,
नए साल में बस क्या करना है, अपने एम्स में फोकस करना है, जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको वो करना है, बस उन पे वर्क करना है, क्योंकि कोई काम नहीं आता यार, कोई काम नहीं आता। सो गाइज, मेरी एक सब्सक्राइबर है, एक फॉलोवर है, निशिता, मतलब वो मेरी दोस्त बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो कहीं भी जाती है, लाइक कहीं भी, वो अपने लिए जो लेती है वो मेरे लिए लेती है। वो खाटू श्याम गई वो मिलने, छोटे से खाटू श्याम जी लाई है, और मतलब उसने मतलब इतना प्यार दिखाया ना, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैंने ये कमा रखा है, मतलब मैंने इंस्टाग्राम से ये कमा रखा है। और इस बार अगर मैं आई, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मैं कहीं आने वाली हूँ तो मैं मीटअप के लिए पक्का बताऊंगी। अभी कुछ डन नहीं है, क्योंकि थोड़ा कॉलेज से थोड़ा दिक्कत चल रही है ना, क्या पता हमारे पेपर ना हो जाए, मुझे ये डर है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तो अगर आना हुआ तो मैं बता दूंगी, तो मैं सबसे मिलूंगी, और मैं आपको निशिता से भी पक्का मिलाऊंगी। सो गाइज, ये थे मेरे सारे क्वेश्चंस, और आई होप आप सभी को आंसर मिल चुका होगा। तो अब मैं आपको, और जो भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे नेक्स्ट Q&A में पक्का पूछना, मैं पक्का जितना हो सके मैं जवाब दूंगी। और लेकिन ये हो पाता है, मैं Q&A तो कर देती हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, ये दिक्कत हो जाती है, तो मैं ट्राई करूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बाय बाय।